हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। सो आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल एंड आप अपने घर में सेफ बैठे होंगे। कोरोना वायरस के लॉकडाउन का पूरा आप फॉलो कर रहे होंगे। सो चलिए घर बैठे इस टाइम को यूटिलाइज कर लेते हैं एंड 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पॉलिटी के सेक्शन से आपके जनरल साइंस में पूछे जा सकते हैं वो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो यस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर SSC और रेलवेज और UPSC तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सो आज के लिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इलेक्शन सिस्टम ऑफ इंडिया। तो इंडिया का जो इलेक्शन सिस्टम है इसमें से कौन सा उसका फीचर नहीं है। तो इंडिया का इलेक्शन सिस्टम, इलेक्शन कमीशन के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था। तो अगर आपने अभी वो वीडियो नहीं देखी है पहले वो वाली वीडियो देख लीजिए, देन आपको इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्शन जो है इंडिया का सिस्टम इसके बारे में और बेटर समझ आ जाएगा। सो इलेक्शन सिस्टम इंडिया का, इसमें से कौन सा फीचर नहीं है, नॉट अ फीचर पूछा है हमसे। सो ऑप्शन ए है हमारे पास यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, देन सीक्रेट वोटिंग, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेचर फॉर द मेंबर्स ऑफ SC ST या फिर कम्युनल इलेक्टोरेट। तो इसमें से कौन सा फीचर नहीं है। एडल्ट फ्रेंचाइजी यस है इंडिया में, सीक्रेट वोटिंग भी है यस, रिजर्वेशन भी है लेजिस्लेचर में SC ST के लिए एंड कम्युनल इलेक्टोरेट। तो यस हमारा जो आंसर है दैट इज कम्युनल इलेक्टोरेट। तो कम्युनिटी के हिसाब से कोई यहाँ पे ऐसा इलेक्टोरेट नहीं है तो ये हमारे इलेक्शन सिस्टम का फीचर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए अवर करेक्ट आंसर इज कम्युनल इलेक्टोरेट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हमारा जो प्रीएम्बल है उसमें इनमें से कौन सा वर्ड नहीं है, इक्वालिटी, लिबर्टी, डिग्निटी या जस्टिस। तो यस डिग्निटी, ये बाकी के तीनों वर्ड्स हमने प्रीएम्बल में पढ़े हैं बट डिग्निटी जो है वो हमारे प्रीएम्बल में कहीं पे भी मेंशन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर टू के लिए हमारा करेक्ट आंसर इज डिग्निटी, ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन आर अपॉइंटेड बाय हूम। तो इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स को कौन अपॉइंट करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है एंड कई बार पूछा भी गया है। सो कौन है जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स को अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इलेक्टेड बाय द पीपल या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यस आवर करेक्ट आंसर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है जो कि इलेक्शन कमीशन के सारे मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर थ्री के लिए आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इलेक्शंस फॉर लोकसभा आर हेल्ड एवरी। तो लोकसभा के जो इलेक्शंस हैं वो कितने टाइम बाद होते हैं, आई गेस इसका आंसर अभी तक आपने आपको पता होगा एंड यस बिना ऑप्शंस के भी हम बोल सकते हैं कि एवरी 5 ईयर्स के बाद जो है लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं। तो लोकसभा यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के जो भी रिसेंटली हुए थे। सो क्वेश्चन नंबर फोर के लिए हमारा करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 5 ईयर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज What is the maximum allowed duration between the last session of the dissolved Lok Sabha and the recalling of the Lok Sabha? अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, घुमा के दिया हुआ है लेकिन आई बेट कि इसका आंसर भी आपको पता होगा। तो मैक्सिमम अलाउड ड्यूरेशन यानी कि एक लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया गया ड्यू टू विच एवर रीजन, तो कोई भी रीजन हो सकता है, वट एवर रीजन की वजह से डिसॉल्व हुआ, तो मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए एक डिसॉल्व लोकसभा से रिकॉलिंग यानी कि दोबारा लोकसभा जो है वो दोबारा से सेटअप हो। तो इसका भी टाइम पीरियड जो है मैक्सिमम होता है दैट इज 6 मंथ। तो एक बार अगर लोकसभा कोई डिसॉल्व हो जाती है तो विद इन 6 मंथ इलेक्शंस होके लोकसभा का एक नया जो भी सेशन है वो स्टार्ट होना चाहिए, ये रूल है। सो कितना मैक्सिमम पीरियड है दैट इज 6 मंथ। तो 6 मंथ में इलेक्शंस होने कंपल्सरी होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए अवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 6 मंथ्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग। तो यस आपको एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। अमेंडमेंट्स बहुत सारी हुई हैं अब तक, अराउंड 104 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो 73rd अमेंडमेंट जो थी कॉन्स्टिट्यूशन की वो किससे रिलेटेड थी, टाउनशिप्स, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज या फिर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स। तो 73rd जो अमेंडमेंट थी दैट इज रिलेटेड टू पंचायत। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए वो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन
विच इज द स्मॉलेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इन जनरल इलेक्शंस बाय एरिया. तो इसमें से जनरल इलेक्शंस में अब यहाँ पे फोकस करना एरिया वाइज पूछा है. तो स्मॉलेस्ट लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी पूछी है एरिया वाइज जो इनमें से सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट है. तो दिल्ली सदर, मुंबई साउथ, कोलकाता नॉर्थ वेस्ट या फिर चांदनी चौक दिल्ली. तो इसमें से सबसे छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी बाय एरिया वो है चांदनी चौक दिल्ली. तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए अब करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, चांदनी चौक. देन मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो अमाउंट फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कैन बी विथड्रॉन विदाउट द ऑथराइजेशन फ्रॉम. तो कोई भी अमाउंट, जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं, वो सारी हमारी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से होती हैं, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की सैलरीज हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी हो, एंड तो जितनी भी चीजें हों. अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से विड्रॉ करना कोई भी अमाउंट, वो किसकी ऑथराइजेशन से होता है? तो कौन है वो जो कि इसका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का हम कह सकते हैं कि जिसके बिना इसमें से फंड नहीं निकाला जा सकता? यस, बिना ऑप्शन के हम इसका आंसर दे सकते हैं, दैट इज पार्लियामेंट. कि पार्लियामेंट के पास इसकी पूरी अथॉरिटी होती है, विदाउट पार्लियामेंट के कोई भी इसमें से कोई भी फंड, कोई भी अमाउंट नहीं निकाला जा सकता, नॉट इवन फॉर बजट. बजट के लिए भी पहले पार्लियामेंट में पेश होता है, देन उसके बाद ही हम इसमें से फंड जो है निकाल पाते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए अब करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पार्लियामेंट. Now next question, which article of Indian Constitution says that will be an election commission in India? तो election commission India में होना चाहिए, ये कहाँ लिखा है? हम हमेशा बोलते हैं ना कहाँ लिखा है, तो वही question है कि election commission होना चाहिए, ये कहाँ लिखा है, कौन से article में लिखा है? तो articles भी आपको पता होने चाहिए, कौन सा article किससे relate है. तो उसके लिए एक chart बना के आप अपनी table के सामने लगा सकते हो, so that के articles आपको पता रहे. So article जो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है, लास्ट वीडियो आपने अगर मेरी देखी होगी तो आप बिना ऑप्शंस पढ़े आंसर दे सकते हो. यस, दैट इज आर्टिकल 324. तो आर्टिकल 324 बोलता है कि इलेक्शन कमीशन होना चाहिए इंडिया में, दैट इज व्हाई इलेक्शन कमीशन है इंडिया में. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा. विच अमंग द फॉलोइंग टैक्सेस इज लिवाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट ओनली, जो कि सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही लिवाई कर सकती है, चार्ज कर सकती है, ऐसा कौन सा टैक्स है इनमें से? यानी कि बाकी टैक्सेस का जो भी अथॉरिटी है वो स्टेट गवर्नमेंट ही नहीं होती, ये वो टैक्स है जो कि सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही लिवाई कर सकती है. वेल्थ टैक्स, स्टेट ड्यूटी, कॉरपोरेशन टैक्स या फिर एंटरटेनमेंट टैक्स? तो यस, अवर करेक्ट आंसर इज एंटरटेनमेंट टैक्स. तो एंटरटेनमेंट टैक्स जो होता है किसी भी स्टेट का, वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही लिवाई कर सकती है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी पार्ट नहीं होता. सो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए अवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेक टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन? ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एंड इंपॉर्टेंट भी है कि ये देश आजाद हुआ उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना. हम सबको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था 1950 में, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में टाइम कितना लगा? क्वेश्चन यहाँ पे ये है, तो फ्रेम करने में कितना टाइम लगा? अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर या फिर 6 मंथ्स? तो अप्रोक्सीमेटली 3 ईयर्स लगे, बाकी हमें लगा था टाइम 2 साल 11 महीने और 18 दिन का. तो एग्जैक्ट भी आप याद करके रखो, अप्रोक्स भी एग्जाम में पूछा जा सकता है और एग्जैक्ट भी पूछा जा सकता है. तो अप्रोक्सीमेटली वी कैन से कि 3 ईयर्स लगे, क्योंकि 2 साल 11 महीने और 18 दिन थे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग फंक्शंस एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रूलर एंड एन एजेंट ऑफ द सेंटर? सेंटर का एजेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन का रूलर, इनमें से कौन प्ले करता है इसका रोल? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू शुड नो, एंड एग्जाम में भी इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है. तो एजेंट ऑफ द सेंटर होता है बेसिकली स्टेट में, क्योंकि एजेंट की बात हो रही है अब, तो सेंटर में तो एजेंट होगा नहीं, तो सेंटर का एजेंट है यानी कि किसी स्टेट में होता है, एंड दैट इज गवर्नर. तो हर स्टेट का जो गवर्नर होता है वो सेंटर का एजेंट एज प्ले करता है, एंड कॉन्स्टिट्यूशन का रूलर प्ले करता है एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए. सो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, गवर्नर. नाउ
क्वेश्चन नंबर 13 आज के लिए, द सेटिंग अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसमें से किसकी सेटिंग मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में. अब कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज अगर आप देखोगे तो दो तरीके की होती हैं, एक जो कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन है, एक जो कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली रिटन नहीं है लेकिन सेटअप हो सकती हैं और वो हुई हैं, जिन्हें हम कहते हैं नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज. तो इनमें से बेसिकली क्वेश्चन हमारा ये है कि इसमें से कौन सी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन नहीं है जिसके बारे में. फाइनेंस कमीशन, लोकसभा सेक्रेटेरिएट, इलेक्शन कमीशन या फिर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन. तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी. तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है जिसके बारे में, जिसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन नहीं है, बट यस ये सेटअप फिर भी की गई है. सो ह्यूमन राइट्स के लिए बेसिकली इसको किया गया है. तो बेसिक इनका स्पेसिफिक पर्पस होता है जिसके लिए इनको बिल्डअप किया जाता है, सेटअप किया जाता है. Then moving ahead, next question is, the premises of India's finance ministry are also known as. बहुत इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी. तो इंडिया का फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो प्रेमिसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, ईस्ट ब्लॉक, वेस्ट ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक या फिर साउथ ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक होता है? तो इसको हम बोलते हैं नॉर्थ ब्लॉक. तो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी. Then finally, आज का हमारा last question, which of the following high courts has the largest jurisdiction in the country? तो largest jurisdiction है, यानी कि ऐसी इनमें से कौन सी high court है जिसका सबसे ज्यादा area आता है, सबसे ज्यादा largest jurisdiction है. बॉम्बे high court, गुवाहाटी high court, अलाहाबाद high court या फिर कोलकाता high court. I bet कि आप में से ज्यादातर students को इसका answer नहीं पता होगा and ज्यादातर सोच रहे होंगे कि बॉम्बे होगा क्योंकि area वाइज एंड पॉपुलेशन वाइज बहुत बड़ा है, बट नहीं, वो करेक्ट आंसर इज गुवाहाटी हाई कोर्ट. तो गुवाहाटी हाई कोर्ट है जिसका ज्यूरिसडिक्शन जो है कंट्री में सबसे ज्यादा है. तो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए हमारा करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी. तो अभी हमने फटाफट से क्वेश्चंस जो हैं डिस्कस कर लिए हैं, तो यहाँ से अब हमारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो गई है जो कि अभी एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. एग्जाम तो पोस्टपोन अभी सारे हो ही चुके हैं, कोरोना वायरस की वजह से कोई भी एग्जाम नहीं हो रहा, तो हमारे पास, हमारे लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है क्योंकि हमें प्रिपरेशन के लिए और ज़्यादा टाइम मिल गया. बट यस, जैसे ही लॉकडाउन हटेगा, कोरोना वायरस कंट्रोल में आ जाएगी, उसके बाद सारे एग्जाम्स रीशेड्यूल होंगे, तो तब के हमारे पास अभी जो टाइम है हम इसको यूटिलाइज करते हैं. तो क्वेश्चन इस टाइम पे हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे सो दैट कि हमें ज्यादा बेनिफिट मिल सके, क्योंकि थियरी पार्ट करना इज क्वाइट डिफिकल्ट एंड बोरिंग भी होता है. इट्स बेटर कि हम क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर लें. सो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी एंड 15 क्वेश्चन एटलीस्ट आपको यहाँ से समझ आ गए होंगे एंड आपको ये हेल्प भी करेंगे फॉर श्योर एग्जाम के लिए. सो क्या आपका फीडबैक है इस वीडियो से रिलेटेड, प्लीज मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा. वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें. चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप न्यू व्यूअर है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, बिकॉज आई डोंट थिंक कि आप चाहोगे कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस हो जाए. सो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ.